हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और ये देखिए मैं चौलाई का साग तोड़ रही हूँ ये नेक्स्ट एक दिन पहले रात की वीडियो है और ये अगले दिन मॉर्निंग का है इसे मैं धुल ली हूँ धुलने के बाद जो है नमक डाल के कुकर में दो सीटी लगा दूँगी तो अभी मैं इसे रख दे रही हूँ और जो है तब तक जो है एक तरफ सीटी लगेगा और दूसरी तरफ मैं ये एक प्याज ढेर सारा जो है लहसुन हरी मिर्च अदरक ग्रेट करके रख ली हूँ और मेरा अभी गैस था साफ तो मैं एक तरफ़ रख दी हूँ मक्खन घी बनने के लिए दूसरी तरफ रख दी हूँ चाय तो सुबह में जब गैस साफ रहता तभी मैं मक्खन से घी बना लेती हूँ और उसके पहले मैं रख दी थी और ये देखिए एकदम से साग गल चुका है बढ़िया से हो गया है अब क्या करना है इसमें हमें बेसन डाल डाल के इसे खूब घूटना है आपके पास मैसर हो तो मैसर से करिए इसे खूब अच्छे से मैस करिए जिससे कि बेसन की कोई भी गुठली इसमें ना रहे और बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है बेसन डाल के एक बार इस तरीके से चाहे ये साग या फिर पालक का कोई भी साग बनाइएगा बहुत ही यमी लगता है और जो ये बेसन का कच्चापन है जब हम साग को भुनेंगे तो ये कच्चापन हो जाएगा ख़त्म तो इधर मेरा घी बन चुका था तो हम जो है गैस पे रख दिए हैं कढ़ाई और उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल और लहसुन प्याज और अदरक हरी मिर्च तो सारा चीज़ डाल के और इसी टाइम पे मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा हींग भी और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है और ये जब कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसमें हमें इसे भूनना है खुशबू आने लगेगी लहसुन की तो तब तक इसे हमें भून लेना है और खूब अच्छे से भूनना है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और नमक स्वाद के अनुसार आप डालिएगा क्योंकि हमने पहले साग में भी साग को बॉईल करते समय नमक डाला है तो इसे हमें पका लेना है इस टाइम पे आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन जो है आ, मुझे इसमें टमाटर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड किया है और चाहे तो आप इस टाइम पे थोड़ा से मसाले भी ऐड कर सकते हैं मैंने नहीं ऐड किया है मुझे ऐसे सिंपल सादा सा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने इसमें ना मसाला डाला ना टमाटर डाला है और ये सिंपल सा साग मैं बनाई हूँ बहुत ही यमी बना था और टमाटर और मसाला ऐड करने पे कुछ लोग डालते हैं इसमें मसाला भी डालते हैं टमाटर भी डालते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ मैं इसे थोड़ा सा अपने तरीके से बनाती हूँ और एक बार आप लोग अगर इस साग को बनाते होंगे तो इस तरीके से बनाइएगा बहुत ही यमी बनता है ये वाला साग तो इसे खूब अच्छे तरह से हमें भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे एकदम और खूब अच्छे से जिससे कि बेसन एकदम अच्छे से भुन जाए साग में और जब खूब अच्छे सी भिनी भिनी सी बेसन की खुशबू आने लगेगी तब हमें समझ लेना है कि हमारा साग एकदम भुन चुका है और इस साग की खासियत है कि इसमें ढेर सारे लहसुन पड़े होते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा उभर के आता है तो ये देखिए मेरा साग एकदम यमीसा बन के हो गया है तैयार और बताइएगा किसको किसको साग पसंद है मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं साग उसके बाद मैं जा रही हूँ स्प्राउट चना खाने और बाबू का बना रही हूँ दूध और उधर वो जग गए हैं तो तब तक मैं उनका दूध बना ले रही हूँ थोड़ा सा गर्म दूध है और पहली बार मैं कम्प्लान मंगाई हूँ इनके लिए इसे पिलाने के लिए और आ जाती हूँ मैं किचन में चढ़ाने के लिए दाल तो तब तक हमारी दाल बनेगी और आजकल हस्बैंड को ड्यूटी जाना रहता है तो इसलिए मॉर्निंग में जो है सारे काम जल्दी जल्दी से करने पड़ते हैं और नौ बजे वो निकल जाते हैं इधर तो मतलब दो महीने से नहीं जा रहे थे लेकिन अब तो सब चीज़ शुरू हो गया हमारे यहाँ हर चीज़ खुल गया पूरा ओपन हो गया बस सैटरडे और संडे को जो है सारे चीज़ बंद रहते हैं बाकी सारे दिन पाँच दिन जो है हर मार्केट हर चीज़ शॉप सब चीज़ खुल गया है यहाँ ऐसी कोई पाबंदी अब नहीं है हाँ ये है कि मास्क आपको लगाना है जो नियम है उसके पालन करने हैं तो दाल चढ़ा रही थी तब तक ये इनको आ गई थी पोटी और ये बैठ के कर रहे हैं पोटी और कुछ भूल भी रहे हैं ये तो इनसे भी बातें आप लोग की होती रहती है और जो है कमेंट भी आते हैं कि बाबू बहुत प्यारा है बहुत प्यारा बोलता है तो थैंक यू सो मच इसके लिए आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए और ये देखिए ड्रम में आटा हो गया था खाली तो मैं इसमें खाली कर रही हूँ आटा तो ड्रम धुली थी तो इसलिए आटा कर रही हूँ इधर जो है कमरा भी क्लीन हो चुका था और आ गई हूँ जो है कपड़े फैलाने हल्की सी धूप निकली थी तो मैंने कहा सबसे पहले यही काम कर लेते हैं क्योंकि आजकल कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है और हमारे यहाँ जाल पे ही छत पे कपड़े डालते हैं तो बताइएगा कौन कौन अपने घर के जाल पे कपड़े फैलाता है और जिसके घर पे जाल इस तरीके वाला होगा वो ज़रूर फैलाया बहुत अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं इस तरीके से जाल पे तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और ये मुझे बुला रहे थे उसके बाद मैंने कुछ भी रिकार नहीं किया डायरेक्ट हो गया ये दोपहर लंच का टाइम और जा रहे हैं हम लंच करने तो आप लोग भी आ जाइए लंच कर लीजिए तो साग है सब्जी है दाल है रोटी चावल और इधर फटक रही है चावल क्योंकि चावल भी ख़त्म हो चुके थे तो इसको साफ़ करवा रही हूँ और इसको पहले झाड़ी हैं फिर जो है इसे फटक रही हैं तो ये जो हमारी बर्तन धुलती हैं उन्हीं से हमने कहा कि मेरा कर दीजिए तो कहीं ठीक है कर देंगे और मैं अब जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने और काफ़ी दिन बाद पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक क्योंकि, क्योंकि करोना में मेरे हस्बैंड ला ही नहीं रहे थे तो आप लोग भी पी लीजिए ये मेरी बिटिया के लिए छोटू सा स्प्राइट आया था क्योंकि अकेली है बड़ी वाली बेटी मेरी नानी के घर है अपने तो आप लोग भी आइए मेरे साथ जो है कोल्डिंग और नमकीन का आनंद उठाइए और आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से तो ये कह रही थी मम्मा मुझे दे दीजिए तो मैं पकड़ा रही थी इनको और इधर मैं आंगन के कपड़े उतार रही थी उसके बाद आ गई हूँ छत पे छत के कपड़े उतारने के लिए और दिखा रही हूँ आप लोग को मंकी और हवा खूब तेज़ चल रही थी और आसमान में देखिए बादल कितने घनघोर घटा छाई है बहुत ज़्यादा बादल लगे थे बारिश भी खूब झमाझम हुई थी थोड़ी देर बाद और मैं कपड़े रख के आ गई थी थोड़ा सा टहलने क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था और आप लोग सोच रहे होंगे मैं छत पे आई हूँ तो क्यों पल्लू रखी हूँ तो मैं छत पर जब भी आती हूँ बाहर जाती हूँ तो पल्लू ज़रूर रखती हूँ तो ये देखिए आम कितने लगे हैं ढेर सारे और कपड़े ले ले रहे हैं और आप लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्या बताएं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बात करना इस तरीके से आप लोग के जो है कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है फिर आ गए नीचे और लगा रहे हैं शाम का झाड़ू तो बताइए कौन कौन शाम को झाड़ू लगाता है और हमारा घर काफ़ी खुला खुला है तो इसलिए हमारे यहाँ दोनों टाइम झाड़ू लगाना पड़ता है और ये देखिए फ्रेंड थोड़ी देर बाद का क्लिप है ये बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी तो मैं खूब मस्ती की थी बाहर जा कर के उसके बाद आ गई थी अंदर कपड़ा मोड़ने के लिए और बहुत ज़्यादा कपड़े जब हो जाते हैं तो सारे मोड़ मोड़ के जो है रख लेते हैं उसके बाद जो है अलमारी में लगाते हैं तो मैं इधर मोड़ मोड़ के रख रही थी और इधर ये जो हैं अपने कपड़े छाट छाट के अलग कर रहे थे कि मम्मा ये मेरा है ये मेरा है और इनकी एक पैंट ऊपर ही रहती है चढ़ाए रहते हैं अपना एक पैर ऊपर एक पैर नीचे और कंगी से गाड़ी बनाते हैं यही सब ये करते हैं और फ्रेंड आज आपको मेरे बाल थोड़े से छोटे लग रहे होंगे क्योंकि मैंने किया अपना हेयर कट तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा उसके बाद मिलते हैं रात में किचन में बना रहे हैं खाना